के चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह की तलाशी के लिए टीम जमान पार्क पहुंच गई है। जमान पार्क को जाने वाले रास्ते इस वक्त आम शहरियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। तमाम ही रास्तों पर रुकावटें खड़ी की गई हैं। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जमान पार्क जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जमान पार्क से पीटीआई के कारकुनान गायब हैं। कनाल रोड को दोनों अतराफ से, नॉल रोड से और धर्मपुरा तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां सर्च वारंट लेकर कमिश्नर लाहौर की सरबराही में एक टीम जमान पार्क पहुंच चुकी है और इमरान खान की रिहाइश गाह में आज ये तलाशी ली जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइश गाह में कहा जा रहा है इंटेलिजेंस इत्तला की बुनियाद पर कोई तकरीबन 30 से 40 शरपसंद दहशतगर्द मौजूद हैं, वो जिन्होंने 9 मई के वाकयात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो कौमी अमलाक हैं, फौजी तनसीबात हैं, उन पर हमले किए। अब यहाँ पर तलाशी का अमल शुरू होगा, लेकिन उससे पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह में जो लोग मौजूद हैं उन्हें बताया जाएगा कि तलाशी शुरू होने वाली है, तो तआवुन किया जाए, वरना फिर पुलिस के पास दीगर रास्ते भी मौजूद हैं। अरसलान हैदर हमारे साथ हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। अरसलान, कहिए टीम पहुँच चुकी है, क्या मुलाकात हो गई, कन्वे कर दिया गया, सर्च वारंट दिखा दिए गए? जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन सर्च वारंट के हमला जो कमिश्नर लाहौर जाहिद अली पंडावा और उसके साथ डीजी लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी ऑपरेशन का एक वफद जो है ये दो गाड़ियों पर ये जमान पार्क पहुंचा है और अब ये वफद जो है इस वक्त जमान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हो चुका है। पहले गेट पर इस वफद को जो इमरान खान के वकला थे उन्होंने इनसे गुफ्तगू की। इस वफद की जानिब से इस बकायदा जो सर्च वारंट था वो दिखाया गया और उसके बाद इनको घर में दाखिल होने की इजाजत दे दी गई। अब जो है वो सर्च का ऑपरेशन जो अमल था वो भी शुरू होने वाला है। टीम जो है वो रिहायशगाह के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और अब बकायदा जो घर का सर्च था वो की जाएगी। पुलिस टीमें जो है वो पुलिस के सिर्फ आला अफसरान मौजूद हैं। पुलिस की जो भारी नफरी है वो जमान पार्क में इमरान खान की जो रिहायशगाह है इसके गेट के बाहर खड़ी हुई है और बाकी जो तमाम अफसरान हैं वो इस वक्त इमरान खान की रिहायशगाह के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अंदर जो इमरान खान की जानिब से अपने तमाम जो इनके घर के अंदर मौजूद मुलाजमीन थे उन्हें ब्रीफ कर दिया गया कि तआवुन किया जाए। अरसलान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ब्रीफ किया इस वक्त।